मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह मेरे को मेरी मम्मी ने ये बर्तन पकड़ा दिए हैं, तो चलो सुबह उठो और ये सारे बर्तन धो। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और आज हमने नाश्ते में बनाए थे सैंडविच, उसका मैंने वीडियो नहीं लिया। पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा कि ना इतने टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो आज तो मेरा ब्लॉग बनाना बनता है इतने सारे बर्तनों के साथ। आज मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने सोचा आज मैं वीडियोज भी बनाऊंगी, सारी चीजें करूंगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ के बर्तन ही धोती हूँ। ब्रेकफास्ट तो मम्मी दे ही देती है जबरदस्ती, ले भाई पहले खा फिर काम कर। गाइस एक बिल्कुल ही अजीब बात बताऊं, मतलब मैं बर्तन धोने में इतनी मगन हो गई, मैंने यहाँ से बर्तन निकाल के रखे, ठीक है, मैंने सोचा अभी इन्हें मांज दूंगी, मतलब पहले साबुन लगा के इन्हें धो दूंगी, ठीक है, फिर मैं यहाँ रखूंगी, उसके बाद जब मुझे धोने होंगे। देखो दिल्ली में इतनी भी गर्मी नहीं आई, अभी ठंड है, हाथों की हालत है ना, ये जो इतना ज्यादा ठंडा पानी है ना, ये आप मत बोलो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठंड क्या, इतना ठंडा पानी है, मैंने ना गैस पे रखा गर्म पानी करने के लिए, और इसी चक्कर में क्योंकि पापा बीच में बोल रहे थे और मैंने सारे बर्तन ठंडे पानी से धो दिए और गर्म पानी गैस पे रह गया। और गर्म पानी, इतनी अजीब बात हो गई, ये देखो ये मैंने किया था गर्म पानी और ये यही रह गया और मैंने अपने सारे बर्तन धो दिए। मेरे पापा का कहना है कि गैस बचाओ, पानी गर्म मत करो, ठंडे पानी से बर्तन धो, ठंडे पानी से नहाओ, ऐसा थोड़ी होता है। और जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सुबह सुबह घर के क्या क्या काम होते हैं वो आज देख लो। सबसे पहले बर्तन धुलते हैं, फिर गैस साफ होती है, ठीक है, फिर पूरी किचन क्लीन होती है, फिर ये बर्तन लगाऊंगी, ये सब होता है। जैसे ब्रेकफास्ट कर लो या ब्रेकफास्ट से पहले, जैसे भी आपका मन हो, पर ये सारी चीज़ें होती हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि लड़कियाँ और उनकी मम्मियाँ कोई काम नहीं करती हैं, तो देख लो हम ऐसे काम करते हैं और फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए, मम्मी का काम था कपड़े धोने का, मेरा काम था बर्तन धोने का। दिल गए लास्ट में, आज तो धूप निकली है, ये देख रहे हो, ये बगल में इतना बड़ा घर, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, और हमारा घर इतना छोटू सा रह गया है। जब मेरा घर बनेगा ना उसका भी वीडियो डालूंगी, व्लॉग, मज़ा आएगा, पर अभी नहीं बनेगा, अभी तो बहुत टाइम है घर बनने में। हर हर महादेव, मैं नहा ली और मैंने पूजा भी कर ली, देख रहे हो मैं कितनी सुपर फास्ट हूँ, आओ मैं आप लोगों को दर्शन करा दूँ। जय हो भोलेनाथ की, जय हो जय हो। ये पेस्ट है, इसके अंदर है सूजी, जिसे कहा जाता है रवा, ठीक है, सूजी है और सूजी के अंदर है टमाटर प्याज, आप लोग चाहो तो खीरा भी ऐड कर सकते हो। फिर आपको ये पेस्ट बनाने के बाद आपको चाहिए ये ब्रेड, आप ले सकते हो ब्राउन, और उसके बाद ये है अपना तवा, इसको जानते ही होगे, और ये पेस्ट। मम्मी कर दो यार, एक हाथ में मेरे फोन है, ये पता है रेसिपी मेरी मम्मी को भी नहीं आती है, मैंने अपनी मम्मी को सिखाई है, सीखो कुछ मेरे से। अब इसके अंदर पानी भी डलेगा, पता है, मतलब एक तरीके से वैसा थिक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं। हाँ इसको घोलो। पहले ना मैंने और मम्मी ने ये सोचा था कि हमें ना खाना ही बना लेते हैं डायरेक्ट, फिर हमने सोचा खाने बनाने में टाइम लगेगा, ये बहुत इजी रेसिपी है, सच बता रही हूँ बहुत इजी है, मतलब ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर इसको घोल के अगर आप लोग 10-15 मिनट रख सकें तो रखें, और नहीं रख पाएं तो देख सकते हो। इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, हरी मिर्च, खीरा और भी बहुत सारे आइटम है, पर मम्मी ने अभी इसमें, क्योंकि मुझे हरी मिर्च का टेस्ट नहीं पसंद, चाय के साथ खाओ और फिर हरी मिर्च आ जाए, एकदम से मिर्ची लग जाएगी, तो इसमें हमने लाल मिर्च ऐड करी है, नमक ऐड किया है और बाकी टमाटर प्याज और कुछ नहीं, और रवा, रवा मीन्स सूजी। अब गैस ऑन है और ये है हमारी ब्रेड, अब मैं इस पर एक एक लेयर करके लगा के अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से ये ब्रेड के ऊपर लगेगा सिर्फ वन साइड, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल लिया ऑयल, अगर आप लोगों को घी पसंद है तो घी भी डाल सकते हो, और ये अबे ये क्या हुआ, थोड़ी गैस तेज थी उसी की वजह से हुआ ये, बट इट्स ओके, आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेना है,
आप लोगों को डरना नहीं है, ये चीज़ें तो होती रहती है घर में। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ऑल ऑफ यू, मैं पता है व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है एक हाथ से और एक हाथ से सारे काम भी करने पड़ते हैं। मेरा कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं है, सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। इस तरीके से करने के बाद ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अरे पता है रोज सुबह अपनी मम्मा को, अरे यार एक हाथ से ना कुछ भी नहीं हो पाता है। मम्मी आ जाओ ना, आप बना दो ना, देखना एक हाथ से नहीं हो पा रहा, ये टूट गया। मैं या तो व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। ये बनके हो चुके हैं रेडी, अब हम करेंगे नाश्ता और चल रहा है टीवी। मम्मी देख सकते हो मैंने ये मटेरियल तैयार किया है, लेकिन ये खाना बनाने के लिए नहीं है, ये किस चीज़ के लिए अभी बताती हूँ। मैंने इसको लगाया अपने फेस पे, काफ़ी सारे दाने हो रहे थे मेरे, और मेरा फेस ना मेकअप की वजह से ना काफ़ी ख़राब हो रहा था, और डेड स्किन होती है ना हमारी, जिसे कहते हैं पिगमेंटेशन भी कहते हैं, और ब्लैक हेड्स, बहुत तरीके की चीज़ें। इसमें है बेसन, हल्दी, टमाटर का रस, और इसमें अगर आप चाहें तो आलू का रस भी ऐड कर सकते हैं, जो मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया है। तो गाइज एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, कैसा लग रहा है? अपनी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, मैं वैसे करती नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे को अपना फेस भी मतलब वो रखना चाहिए। देखो सही लग रहा है ना, केयर रखनी चाहिए। और मेरे बाल है ना आजकल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इनके लिए भी मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैं जा रही हूँ योगा क्लास। मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया है, मुझे हो गए 10 से 15 दिन हो गए हैं, मैं डेली जाती हूँ। पहले मैं जाने वाली थी, आज संडे था, वीडियोस बनाने, मैंने सोचा छोड़ो यार आप लोग लाइक तो करते नहीं हो इंस्टाग्राम पे, वीडियोस बाद में बनाऊंगी, आज मैं अपनी योगा क्लास जा रही हूँ। वैसे मेरी योगा क्लास की छुट्टी है संडे की, इसलिए मैंने प्लान किया था। सुबह मैंने आपसे बोला नहीं था कि मैं आज कहीं जाऊंगी, पर मैं नहीं जा रही हूँ अब, लेकिन मैंने सोचा लोगों ने मतलब उन लोगों ने छुट्टी कर रखी है ना, मैं क्यों अपनी क्लास मिस करूं। तो मैं जा रही हूँ पार्क, वहाँ पे मैं करूँगी योगा। मम्मी बना दिया खाना और मुझे पापा को टिफिन देना है, फिर जाना अपना योगा क्लास। सबसे पहले मैं अपना मैट ले लूँ, ये है मेरा मैट। पर पता है आज ना जो आंटियाँ आती है ना योगा करने, वो आज आएंगी नहीं, तो आज मैं अपने बुआ को लेके जा रही हूँ। मैंने कहा बुआ आप चलो मेरे साथ, और हमारे साथ नीतू बुआ जा रही है, कन्नू भी जा रहा है, आज मैं इन दोनों को भी योगा सिखाऊंगी। चलो हम जा रहे हैं स्कूटी से, लेकिन ना पापा को खाना देना है। पता है गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना वीडियोस से ज़्यादा ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। पहले मैं क्या करती थी कि वीडियोस बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, और मतलब जब मर्जी वीडियो दे वीडियो, और पता है मैं मानती हूँ वीडियो ने मुझे सब कुछ दिया है, ठीक है, मुझे अच्छे फैंस दिए हैं, मुझे नाम दिया है, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा करूँगी और अपनी हेल्थ को और भी अच्छा करूँगी। और आप लोगों को भी हमेशा व्लॉगिंग में मैं यही बोलूँगी, एक्सरसाइज करो, अपनी बैक पे ध्यान दो, अपने नाक पे ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जो आजकल की जनरेशन है ना, उनकी सबसे ज़्यादा जो पेन करता है ना वो एक बैक है और नेक है, मैंने सुना है, और लड़कियों को खासकर ये वाली प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि ना जो बैक में हमें अच्छा पोषण तो मिल नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम विटामिन डी की कमी से ना कमर में दर्द होता है और गले में, तो मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी मेरी बुआ, ये देखो ये कन्नू, ये कैसे खड़ा है, मेरी बुआ स्कूटी में पेट्रोल फिल करा रही है, हम लोग खड़े हुए हैं, फिर जा रहे हैं पार्क। आज आपको योगा क्लास में कोई नहीं दिखेगा मेरे अलावा, क्योंकि आज संडे है। जितनी भी आंटियाँ मेरे साथ योगा करती है ना, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि पार्क में ना सारी आंटियाँ आती हैं, 3-4 बजे का टाइम होता है, सब मिलती है, सब 1-1.5 घंटे का योगा करते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने घर। तो मैंने भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया, वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे। अब क्या हुआ, मैंने सोचा आज संडे है, आज वीडियो ना बना के अपनी योगा क्लास ही ज्वाइन कर लूँ। योगा क्लास तो नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं खुद से कर लूँगी, इतना तो आता ही है। बाकी चलो चलते हैं। आ गई मैं पार्क, नहीं पार्क, पार्क पार्क पार्क। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं,
चोरी चोरी से वो दिल को चुराते हैं, एक दिन वो इच्छा। बहुत बुरी आवाज़ हो गई है मेरी, है ना, वो गाने चल रहे हैं ना, तो मैं आ गई हूँ पारक। पहले हम बचपन में पता क्या बोलते थे, पारक पारक। सो ये है पार्क और मैं आ गई हूँ। मैं यहाँ वीडियोस भी बनाती थी, ये पार्क आपने देखा होगा पहले मेरे वीडियोस में। एक दिन मैं यहाँ वीडियो बनाने आई थी तो मैंने देखा अरे यहाँ पे योगा भी करते हैं, तो फिर मैं योगा करने आ गई यहाँ। यहाँ की आंटियाँ भी बहुत अच्छी हैं बताए, पर आज आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा मेरे अलावा। ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे है, जाने मोहब्बत मिले किसे कहा। ये गार्डन वैसे है बहुत ब्यूटीफुल, इसको देखो कन्नू को। ये है फ्लावर्स, हाँ गुड। सबसे पहले ऐसे करो, मैं अपने कन्नू को योगा करा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ऐसे नहीं, ऐसे गोला गोला, ठीक है। अब यूं, ठीक है, फिर यूं। ये अपने थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है, ये आप खड़े होके भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। यूं 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 लॉक करके स्ट्रेचिंग, है ना, यूं। स्ट्रेचिंग भी नहीं आती है, क्या रही, स्ट्रेचिंग भी नहीं आती, ये छोटा बच्चा है। वैसे तो मैं खड़े होके करती हूँ, हमें योगा में खड़े होके स्ट्रेचिंग कराती हूँ करके। सूर्य नमस्कार मैं अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना मेरे को झुकने के लिए मना किया है, तो वो ऐसे यूं करके यूं नहीं करते हैं, फिर वो यूं करके यूं वाला, तो वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे झुकने के लिए मना है, तो मैं बस थोड़ा वार्म अप करते हैं। यूं होता है ये, यूं ही तो है। एक मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, एक यूं भी होता है, कैसे यूं करके यूं पीछे, 1 2 1 2 1 2 1। ये हाथ यूं होते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। और बताओ, और ऐसे वाला भी, ऐसे वाला भी, ये वाला देखो, पैर को ऐसे जोड़ो उसके बाद यूं करके। तो एक्सरसाइज मैं अपनी योगा क्लास में करती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को सर्वाइकल है या गर्दन में पेन है, काफ़ी सारे लोगों को होता है, पर टच वुड आप लोगों को ना हो, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, आप लोग घर में कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने पैरों को क्लोज रखना है, और मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी बस सीख ही रही हूँ, बस जो मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। और अपने हाथ को ऐसे रख के गर्दन को, मतलब अपने नेक को पूरा पीछे देखना है, होल्ड रखना है 10 सेकंड तक। ठीक है, होल्ड रखना है, धीरे धीरे आना है। और एक और है इस तरीके से, मतलब अपने कान को शोल्डर से लगाने की कोशिश करनी है, मैं अभी लगा नहीं पाती हूँ, पर मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे कान शोल्डर से टच हो जाए। उसके बाद क्या करना है, ये जो हाथ है इसको मतलब प्रेशर देना है, ये देखो हाथ का प्रेशर होना चाहिए और सर का प्रेशर हाथ पे होना चाहिए। यहाँ से 10 सेकेंड, यहाँ से 10 सेकेंड, आगे से और पीछे से, ये सारी ये गर्दन की एक्सरसाइज है।
उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रख के 1 2 3 जितनी बार आगे की साइड उतनी बार पीछे की साइड, ये सब कर लिया, हाथों को स्ट्रेच कर लिया, ये सब कर लेना गर्दन की एक्सरसाइज में। और भी है, काफ़ी सारी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। एक है ना राउंड वाली है, पर पता है ये मेरे को अभी क्यों नहीं करने को बोला, क्योंकि ना हम क्या करते हैं राउंड करते टाइम है ना गर्दन को झटका दे देते हैं, तो इसीलिए ये मेरे को डॉक्टर ने मना किया था। और मैं योगा में ये कम करती हूँ, लेकिन आप लोग घर पे कर सकते हैं धीरे धीरे। योगा का मतलब होता है धीरे धीरे करना। तो को यूं करके ये वाला जितना जितना ये करोगे ना, मतलब इस साइड, उतना ही पीछे वाली साइड करना है। काउंटिंग हमेशा करते रहना बस। ये देखो ये देखो, दोनों मासी और भांजे। सही है सही है सही है, लगे रहो लगे रहो। ये क्या कर रहे हो, करो एक्सरसाइज, हम यहाँ पे एक्सरसाइज तो करने आए हैं। अलग अलग कलर के रोज हैं, जैसे ये वाइट है और ये पिंक है, वो रेड है, बहुत सारे रोज लगे हुए हैं, इसीलिए इसको रोज गार्डन भी कहा जाता है। ये देखो बहुत सारे रोज़ भी लगे हैं और ये अलग अलग फ्लावर्स भी है यहाँ पे। मुझे रोज़ बहुत पसंद है, पर ना मैंने ना कभी ना रोज़ को ना ऐसे तोड़ा नहीं है, मैं कभी नहीं तोड़ती, मुझे ना बड़ा दुख होता है। वैसे मैं कितने भी रोज़ चुरा लूँ पर मैं तोड़ नहीं सकती, तोड़ना नहीं। ये देखो कितने ब्यूटीफुल है ना, वाओ नाइस। वो देखो वो रहा रेड, पर मैं इन्हें कभी नहीं तोड़ती, कभी भी नहीं। खरीद लो चुरा लो पर हाँ शादियों में से बहुत चुराए हैं मैंने, पर मैं इन्हें कभी नहीं तोड़ सकती। ये देखो वाइट रोज, सो स्वीट ना। अब हम जा रहे हैं घर। आज मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, पर थोड़ा बहुत कर लिया है, इन्होंने अपनी एक्सरसाइज करी है। ये मेरी बुआ जिम जाती है ना, तो आज संडे है तो ये कहने लगी मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रॉपर तरीके से ना, मन तभी लगता है जब ग्रुप में सारे हूँ, सच बता रही हूँ, वैसे नहीं मन लगता। वैसे हम काउंटिंग भी ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब सारे होते ना तब मज़ा आता है। लेकिन अभी तो कर लिया यार, आधे घंटे भी कर लिया ना बहुत है। अब मैं जा रही हूँ। कन्नू आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है बताओ? शिनचैन, डोरेमोन, बड़ा भीम, बड़ा भीम, छोटा भीम है, बड़ा भीम नहीं है, छोटा भीम। लेकिन आप देख तो मूवी रहे हो, बताओ बताओ। अच्छा जी। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ बुआ के फ्लोर पे। शाम को मैं घर चली गई थी, मतलब योगा वगैरह करने के बाद मैं घर चली गई थी। उसके बाद पता है योगा करने के बाद मैंने घर जाके चाय पी ली। आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि चाय ना बहुत नुकसान करती है, कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर चाय पी रहे हो, नहीं पीनी चाहिए। पर मैंने पी ली थी, मम्मी ने बना ली थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अब कन्नू मेरे से जिद कर रहा है कि मैगी बनाओ, तो आप लोगों को मैगी खाने को भी मिलेगी, है ना कन्नू? मैगी खाएंगे तो अब मैं जा रही हूँ किचन में मैगी बनाने। ये कन्नू ना मेरी एक्टिंग कर रहा है, करके दिखाओ कन्नू। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, दिस इज प्रिया राठौर। बोलो हेलो गाइस। पता है आज मम्मी ने मेरे बालों में भर भर के तेल लगाया है। मैं पता है मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, गोले का तेल लो कटोरी में और उसमें कपूर डाल लो, ठीक है, और उसको गर्म कर लो अच्छे से, कपूर मतलब पीस के उस गोले के तेल में डाल लो और फिर लगाओ। आपके अगर डैंड्रफ वगैरह होंगे तो वो भी चले जाएंगे। टमाटर नहीं है? लो टमाटर नहीं है, मेरे से बोल देती मैं घर से ले आती 2 टमाटर। आज हम बनाएंगे और मैगी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतना कुछ खाने का मन नहीं है, मैगी खाएंगे कुछ कुछ कुछ।
वैसे तो बुआ ने दिन में बनाए थे छोले चावल, है ना, तो छोले भी रखे हुए हैं, अगर किसी को खाने होंगे तो चावल खा लेंगे, है ना। हमारे पास एक टमाटर था तो हमने टमाटर काट ली, दोबारा बोलती हूँ, प्याज टमाटर, एक ही टमाटर था तो हमने एक टमाटर काट लिया, और ये रही मिर्ची, हरी मिर्ची भी डालनी है, हरा धनिया बाद में डाल लेंगे कोई बात नहीं, और ये हल्का सा ऑयल डाला मैंने, और ये है दो मैगी, दो मैगी बहुत है। सबसे पहले हम डालेंगे, बाबू हल्की सी टीवी की आवाज़ कम करके आओ, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा, जल्दी जाओ टीवी की आवाज़ कम कर दो जी। जीरा डाला है, और ये है प्याज और लहसुन, चलाने वाला दे दो, प्याज लहसुन भी डाल दिया है, लेकिन ना लहसुन पहले डाल दे, तुमने प्याज में काट के गलती सी कर दी, कोई नहीं ट्राई हो जाएगा ये भी, है ना, ऐसे मत करो कन्नू बाबू, मैं आज अपने तरीके की मैगी रेसिपी बता रही हूँ, वैसे मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सारे मसाले हैं, मैगी मसाला है, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर दिया। सबसे पहले मैं डालना चाहूँगी हल्का सा नमक, ठीक है, और पता है ये सब डाल के ना अच्छा टेस्ट आता है, मैंने एक बार मैगी बनाई थी, मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि बिकॉज मैगी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो थोड़ा ही नमक डालना, ज़्यादा डालोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, चटक हो जाएगा ना, और हल्का सा वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास चिली फ्लेक्स है और ओरिगैनो है, ये देखो ये सब डालने हैं आपको अभी इसी के अंदर। इस रेसिपी से मैगी बना के देखना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। गाइस मैगी बन गई है, देख सकते हो मैगी इज़ रेडी, थोड़ा सा इसका कलर ऐसा हो गया है, लेकिन ये देखो मैगी मैगी। गाइस कन्नू कह रहा है मेरे लिए दूसरी मैगी बनाओ, इसका तो कलर ही चेंज कर दिया है दीदी आपने, है ना। अरे अच्छी है, खा के देखना, अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी तो पानी में उबाल के दे देंगे इसे, और क्या करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा है। चलो देखते हैं तुम डालो कैसी क्या बनी है, ठीक है, थप्पड़ मारूंगी दूसरी मैगी, यही खाएंगे पहले, पहले टेस्ट कर लो, पहले टेस्ट तो करो। अब हम खाने जा रहे हैं मैगी, अभी देती हूँ रिव्यू। गाइस थोड़ी सी ना मिर्ची ज्यादा हो गई थी, वो जो चिली फ्लेक्स है ना उसमें ना मेरे को ऐसा लगता है कि मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी। मम्मी का कॉल आ रहा है घर से, हाँ मम्मी लेकिन मैगी बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग भी इस रेसिपी से अपने घर मैगी ट्राई कर सकते हैं, और गाइस काफी चटपटी मस्त बनी थी। तो मैं आज के पूरे दिन को इस व्लॉग में खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय गाइस, गुड नाइट।